Good morning, student. Today we have to work on the problem based on matrices. अभी हम लोग कुछ problem पर काम करेंगे जो matrix पर based है. जैसे first question है जिसका मैं वर्क करूंगा, if a equals alpha 0, 1, 1 and b equals 1, 0, 5, 1. Then find alpha for which a square equal to b. Means हम लोग के पास अगर a equals alpha 0 1 1 है, b equals 1 0 5 1 है, तो alpha का मान निकालना है अगर a square equals b दिया हुआ है तो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है पहले. Since we have a square equals b दिया हुआ है, a square को निश्चित रूप से a into a equals b सकते हैं. A into A को आप निश्चित रूप से alpha 0 1 1 into फिर alpha 0 1 1 लिख सकते हो equals B. B equals you can write 1 0 5 1 लिख सकते हो. तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इस दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे. इस दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए पहले आपको पढ़ाया था ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है. दोनों का इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, प्रोडक्ट कंफर्टेबल है. दैट मींस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं. जब आप प्रोडक्ट कर सकते हैं तो गुणा कीजिएगा. तो मैं पढ़ाया था इस तरह से अल्फा, मतलब इसको आपको गुणा इसके कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट से करके जोड़ना है. अल्फा इनटू अल्फा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2 बाय 2 का होगा, जो बचा हुआ पार्ट है अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इनटू 1 0. फिर इस पूरे को से करेंगे अल्फा इनटू 0 0 0 into 1, that's become also 0. फिर इसको इससे करना है 1 into alpha, alpha 1 into 1, 1 into alpha, alpha 1 into 1, 1 फिर 1 into 0, 0, 1 into 1, 1 equals what? Equals 1, 0, 5, 1. That's right. Again, you can write it as alpha square plus 0 alpha square, 0 plus 0, 1, alpha plus 1, 1 plus 0, 1 equals 1051. यहां से अब आप इक्वेट करना है. इक्वेट करने के बाद कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1. देखिए इक्वेट करने से पहले आप की और देख लीजिए. 1 ये अल्फा है, 1 into अल्फा अल्फा और 1 into 1 1. यहां इक्वेट करने से पहले आपको देखना है ऑन इक्वेटिंग इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा. ऑन इक्वेटिंग इक्वेटिंग अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 1 है, बिल्कुल है अल्फा स्क्वायर इक्वल्स 1 और इस तरफ के अल्फा प्लस 1 इक्वल्स 5. अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है और अल्फा प्लस 1 इक्वल्स 5 है. इक्वेटिंग यहां से आपके पास अल्फा का मान प्लस माइनस 1 आएगा और यहां से अल्फा का मान क्या आएगा 4. इसका मतलब अल्फा का जो वैल्यू है यहां पर वो प्लस माइनस 1 1 प्लस माइनस 1 या 4 आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू डिफरेंट आया. क्यों आया इस पर जरा विचार करना हम लोग को है. तो पहले आप सभी ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या बोल रहा हूं. तो यहां से क्लियर हो गया कि अल्फा का मान प्लस माइनस 1 और 4 है. इस दोनों में अगर मैं इसको यहां रखूं तो दोनों डिफरेंट आ रहा है. नहीं अल्फा का मान 4 पुट करेंगे तो 5 आएगा, अल्फा का मान प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस माइनस 1 रेशो अल्फा इक्वल्स 4. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है. सुनो कि फर्स्ट पहले सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के पास है 1x1 into 1 3 2
251 1532 into 1 2x equals 0 matrix, then you have to find the value of x. Equals 0 दिया गया है, तो x का मान निकालना है. इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, फाइंड x. तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आप एक रो तीन कॉलम है, फर्स्ट रो थ्री कॉलम, ये थ्री रो थ्री कॉलम, ये थ्री रो वन कॉलम. पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो वन एक्स वन, चूंकि एसोसिएटिव होता है वो, पढ़े आप लोग मैट्रिक्स प्रोडक्ट. तो मैंने क्या किया, पहले इस दोनों की बात सोचा, इसमें इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट पॉसिबल है. और जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा, थ्री इंटू वन. दैट मीन्स जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें रो तीन होगा लेकिन कॉलम कितना होगा, वन होगा. इसको पहले से गुणा करेंगे, वन इंटू वन वन, टू इंटू थ्री सिक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स, दैट्स राइट. फिर इसके एलिमेंट को मैं टू इंटू वन टू, फाइव इंटू टू टेन, एक्स इंटू वन एक्स, वन इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन, थ्री इंटू टू सिक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स, दैट्स राइट. अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या, वन बाई थ्री. फिर देखिए दोनों का एक बार और सॉर्ट कर ले, पहले कर लेते हैं वन एक्स वन, इसको आप सेवन प्लस टू एक्स कहिएगा, इसको ट्वेल्व प्लस एक्स कहिएगा, ट्वेंटी वन प्लस टू एक्स कहिएगा, इसको थ्री बाय वन कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो थ्री कॉलम. अगेन दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर वन बाय वन होगा, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर वन बाय वन होगा, मतलब एक रो और एक कॉलम होने वाला है. तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो इसको गुना आप देखिए ऐसे है ना, वन इंटू इतना वन इंटू सेवन प्लस टू एक्स, वट यू हैव सेवन प्लस टू एक्स, प्लस प्लस दिया गया. फिर आइए एक्स इंटू इतना कितना होगा, ट्वेल्व एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. फिर लास्ट स्टेप में आइए, लास्ट स्टेप में आएंगे तो वन इंटू इतना तो ट्वेंटी वन प्लस टू एक्स इक्वल टू वट, जीरो. वन बाय वन मैट्रिक्स है, सॉल्व करेंगे तो सेवन प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स वट, सेवन प्लस ट्वेंटी वन इक्वल्स ट्वेंटी एट, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स जीरो मैट्रिक्स. देयरफॉर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल जीरो. नाउ यू कैन फैक्टराइज इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके राइट, फर्स्ट नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ यू हैव ए इक्वल्स वन जीरो माइनस वन सेवन आई, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट इज वन एंड रिमेनिंग वन इज जीरो. दिस कैन ऑल्सो रिटन आई टू, आई टू स्टैंड फॉर ऑर्डर इज टू, that means 2 by 2, because entry matrix always a square matrix. If you have a square equals 8a plus ki, then you have to find k. So since a square means what? 1, 0, minus 1, 7 into 1, 0, minus 1, 7, a square equals 8 into a, a means 1 0 minus 1 7
8a plus k, i means 1001. जब मैं गुना देखो, मैं इसको तरह सेट कर दिया इस पर बिल्कुल अच्छी तरह से. प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट आप कर सकते हैं बिकॉज इसका जो कंडीशन है, इसके रो इसके कॉलम सेम है. गुना करेंगे तो गुना करने के क्या आएगा, गुना करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का बनेगा. 1 × 1 1, ऐसे करना है 1 × 1 1, 0 × 1 0 हो गया, 1 × 0 0, और 0 × 7 ये भी 0 हो गया. फिर -1 × 1 -1, 7 × -1 -7. दैट्स राइट. 0 × 1 0, 7 × 7 49 इक्वल्स, इसको आप 8 0 -8 56 कर सकते हैं. 8 से गुना के सब कर दिया गया. फिर इसको आप बिल्कुल के से गुना करेंगे, के इन टू वन जीरो जीरो और के, ये जो प्रोडक्ट किया गया इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि आपका बार के कांस्टेंट है, उसके हर एक एलिमेंट गुना किया गया, इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं. और ये भी क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन का ही उदाहरण था. अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 -8 49 इक्वल्स, इस दोनों को आप जोड़ सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है. 8 + k 8k हो गया, ये 0 हो गया, -8 हो गया, और 56 + k हो गया. ऑन इक्वेटिंग, जब इक्वेट करेंगे, इक्वेट क्यों कर रहे हैं, चूंकि दोनों ऑर्डर सेम है, इक्वेट करेंगे तो 1 = 8 + k आएगा. दैट मीन्स यू कैन राइट k इक्वल्स व्हाट, -7. k इक्वल्स -7 आ गया. इस तरह इसको भी इक्वेट करेंगे तो k इक्वल्स आपका -7 ही आएगा. इसका मतलब है कि आपका आंसर k इक्वल्स -7 हो गया. राइट फर्स्ट एवरीवन. Now fourth question based on matrix is, if you have a matrix 2 -1 1 0 -3 4 into A is equals, again you have a matrix -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, then you have to find value of matrix A. आपके पास कंडीशन दिया गया कि अगर ये गिवन है तो A, जो मैट्रिक्स A है उसका निकालना है क्या होगा मैट्रिक्स. सबसे पहले तो आप देखिए दिस मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स है, इस दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ तब तो इतना आया. और प्रोडक्ट पॉसिबल तब होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो. फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपके पास है उसका ऑर्डर कितना, उसका ऑर्डर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं 3/2 है. और जो नया मैट्रिक्स गुना करने के बाद बना उसका ऑर्डर 3/3 है. और स्पष्ट है कि जो मैट्रिक्स आप ए लिए होंगे उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए. क्लियरली ए हैज ऑर्डर व्हाट, क्लियरली ए हैज ऑर्डर. देखिए यहां से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ए मैट्रिक्स को गुना इससे आप कर पाए तब तो इतना आया. इस दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होगा जब इस मैट्रिक्स का रोज, इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो. तो मैट्रिक्स ए का जो भी रो होगा वो कितना होगा, 2, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा बाय. अब जो मैट्रिक्स बनता है उसमें आप देखिए, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स बचा वो 3, और जो इसका पार्ट आया वो भी 3 है. इसका मतलब कि जरूर ए का जो कॉलम होगा वो कितना होगा, 3 होगा. मतलब कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपने किस तरह से निकाला वो सिखाया मैंने. जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लें कि गुना करने पर जो मैट्रिक्स बने उसका ऑर्डर 3/3 हो. तो स्पष्ट है जब इसका रोज, इसका रोज 3 है, कॉलम 2 है. इसका कॉलम 2 है तो इसका रो भी 2 होना चाहिए. रो दे लिया. अब दोनों के प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर 3/3 है. इसका मतलब जरूर जब इसका रोज 3 है तो इसका कॉलम जो बचा होगा वो भी क्या होगा, 3 होगा. ठीक है,
इससे हम लोग निकाल लिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हुआ। जब एक मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ये, तो मान लेंगे मैट्रिक्स ए जो आपके पास है उसमें एलिमेंट सिक्स होंगे, दो रो तीन कॉलम। दो रो और तीन कॉलम की जब बात जहाँ तक हमारे ख्याल से है, उसको आप एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू मान सकते। क्यों माने? नहीं, क्योंकि आपको मैट्रिक्स ए निकालना है और ये दिया हुआ नहीं है। तो आप अब ए, ए के रूप में काम 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 और किया, ए के रूप में काम एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू किया, इक्वल्स जो नया मैट्रिक्स बना वो है आपके पास 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 एंड 15। अब दोनों का प्रोडक्ट किस तरह करेंगे उस पर गौर कीजिएगा। सिंपल प्रोडक्ट करना भी, प्रोडक्ट करने के लिए आप पहले देखिए चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3, प्रोडक्ट कंफर्टेबल है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। अब 2 × x, व्हाट 2 × x, 2x और 1 × u − u, दैट्स राइट। फिर इसको इसे करेंगे 2 × y, 2y माइनस व्हाट भी, फिर 2 × z, 2z माइनस व्हाट w, 1 × x, x प्लस व्हाट 0, 1 × y, y 0, ये भी है। फिर 1 × z, z व्हाट 0, माइनस 3 × x, माइनस 3x प्लस 4 × u, और u माइनस 3 × y, माइनस 3y, 4 × b, 4b भी है। फिर माइनस 3 × z, माइनस 3z, 4 × w, ये आपका है 4w। अब ये मैट्रिक्स रिमेन सेम यहाँ उतार जाएगा, 1 माइनस 8 माइनस 10 1 माइनस 2 माइनस 5 9 22। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास कुल 6 वेरिएबल हैं, क्या हम 6 इक्वेशन फॉर्म करने के लायक हैं? अगर हमने 6 इक्वेशन को फॉर्म कर लिया तो स्पष्ट है कि आप उस 6 वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो 2x माइनस u इक्वल्स 1 बनेगा, दूसरा इक्वेशन x प्लस 0 इक्वल टू 1, तीसरा इक्वेशन इससे बनेगा। मतलब कि ऑन सॉल्विंग अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने पर 2x माइनस u इक्वल्स 1, एक्स प्लस 0 इक्वल्स 1, एक्स का मान मिल गया, और फिर क्या माइनस 3x प्लस 4u इक्वल्स 9, उस तरह से 2y माइनस v इक्वल्स माइनस 8 है, y प्लस 0 इक्वल टू व्हाट माइनस 2, फिर माइनस 3y प्लस 4v इक्वल्स व्हाट 22। अब देखिए यहाँ से x का मान 1 पुट करेंगे u मिल जाएगा, x मिल गया u मिल गया, y का मान माइनस 2, y का मान यहाँ पुट करूँगा v मिल जाएगा। उस तरह से फिर इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 2z माइनस w इक्वल टू माइनस 10 और z इक्वल टू माइनस 5। z का मान मिल गया, z यहाँ पुट करेंगे w मिल गया, मतलब कि आपको 6 वेरिएबल का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो किस तरह सॉल्व किया गया ये क्वेश्चन आप सभी समय में सबको आ गया होगा, राइट एवरीवन फर्स्ट। मैंने आपको आज जितना भी क्वेश्चन सिखाया उस पर बेस्ट मैं आपको क्वेश्चन आज दूंगा आपके ही व्हाट्सएप पर, इसको सॉल्व करना है आप लोग घर में खुद से, राइट फर्स्ट एवरीवन।